अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपर लिम प्रोस्थीसिस। तो आज हम अपर लिम प्रोस्थीसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ अपर लिम एम्पुटेशन में हम पेशेंट्स को देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोस्थीसिस देने से पहले हमें चाहिए कि हम अपर लिम एम्पुटेशन के बारे में हमारे पास नॉलेज हो। अपर लिम एम्पुटेशन की क्या क्या रीजन, क्या क्या काजेज हो सकती है और किस वजह से अपर लिम एम्पुटेशन हो सकती है, तो वो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। अपर लिम एम्पुटेशन के डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, तो उनमें जो सबसे पहला काज हो सकता है वो है ट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से या और डिजीज या डिफॉर्मिटी या जो भी आप से हो सकता है अपर लिम एम्पुटेशन, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो कॉमन है वो है मैकेनिकल इंजरी, जो कि मशीन की वजह से होती है, जो कि ज़्यादातर लोग जो अपने गाय वगैरह के लिए या जो भैंस वगैरह के उसके लिए चारा काटने के लिए उस मशीन में हाथ आ जाता है उनका, और उसकी वजह से एम्पुटेशन होती है। फिर अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पुटेशन है अपर लिम में, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम हैंड, जिसको सबसे पहले हमारे पास होता है फिंगर एम्पुटेशन, जो कि पार्ट ऑफ फिंगर भी एम्पुटेड हो सकता है या कंप्लीट फिंगर भी एम्पुटेड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन, जिस और उसके रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन में हमारे पास कंप्लीटली हैंड एम्पुटेड होता है ड्यू टू डिफरेंट काजेज या डिफरेंट रीजन, जो कि ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है ट्रांसरेडियल, जो कि स्टम, मीडियम स्टम और शॉर्ट स्टम, डिपेंड करता है एम्पुटेशन पे कि कितना पार्ट हमारे पास बाकी रह गया है, फोर आर्म का कितना पार्ट रह गया है, तो उस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास है एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, जिसमें हमारे पास कम्प्लीटली फोर आर्म रिमूव होता है। उसके बाद एम्पुटेशन को हम एल्बो डिसआर्टिकुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसह्यूमरल, जो कि किसी पार्ट भी आप ह्यूमरस में किसी पार्ट को भी एम्पुटेट करके ड्यू टू डिफरेंट रीजन, तो उसको हम ट्रांसह्यूमरल एम्पुटेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, जो कम्प्लीटली अपर लिम्ब उसमें रिमूव करते हैं या एम्पुटेट करते हैं, ठीक, ड्यू टू डिफरेंट रीजन। अच्छा, तो ये तो हमारे पास थी डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पुटेशन। अब एम्पुटेशन तो हो गई, उसके बाद इसको थ्रू अपर लिम प्रोस्थीसिस हम रिप्लेस करते हैं, जो कि अपर लिम प्रोस्थीसिस के मेन जो फंक्शन है, जो सबसे पहला फंक्शन है वो है कॉस्मीसिस, कॉस्मीसिस को रिप्लेस करना। उसके बाद फंक्शन ऑफ अपर लिम को रिप्लेस करना, और जो थर्ड फंक्शन है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। ये हो गए फंक्शन ऑफ अपर लिम प्रोस्थीसिस। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ अपर लिम प्रोस्थीसिस डिस्कस करेंगे, जो कि स्टार्ट करेंगे राइट अवे फ्रॉम द, जैसे हमने फिंगर एम्पुटेशन से स्टार्ट किया, तो हम सबसे पहले टू फिंगर फेलर देते हैं या फिंगर प्रोस्थीसिस देते हैं, जो कि एक ग्लव्स हमारे पास आता है रेडीमेड, उससे हम अगर कोई फिंगर एम्पुटेड हो तो उससे हम वो वाली फिंगर काट के और अकॉर्डिंग टू स्किन कलर ऑफ द पेशेंट हम वो फिंगर प्रोस्थीसिस उस पेशेंट को देते हैं, उसमें हम सिलिकॉन फिलिंग करते हैं। उसके बाद रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन के लिए प्रोस्थीसिस आता है, और फिर हमारे पास आता है ट्रांसरेडियल प्रोस्थीसिस, जो कि मेरे हाथ में अभी आप लोग देख सकते हैं, इसको हम ट्रांसरेडियल प्रोस्थीसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोस्थीसिस में भी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल प्रोस्थीसिस, अभी जो फर्स्ट प्रोस्थीसिस हम पेशेंट को देते हैं वो है नॉन फंक्शनल प्रोस्थीसिस। नॉन फंक्शनल प्रोस्थीसिस का जो मेन काम है वो है कॉस्मीसिस को रिप्लेस करना है, इसमें ग्रिपिंग पावर और ये चीज़ें नहीं होती, और सबसे पहले पेशेंट को नॉन फंक्शनल प्रोस्थीसिस देना चाहिए, जो कि ये दो मेरे हाथ में अभी नॉन फंक्शनल प्रोस्थीसिस है। इसमें एक सॉकेट होता है और एक होता है हैंड, ठीक है। अच्छा, क्यों सबसे पहले नॉन फंक्शनल प्रोस्थीसिस देना चाहिए, इसलिए कि शुरू में पेशेंट्स को डनिंग डफिंग, और ताकि उसका माइंड उसके साथ यूज टू हो कि हाउ टू यूज़ अ प्रोस्थीसिस, ताकि उसको हाव नो हो कि मैंने प्रोस्थीसिस किस तरह यूज़ करें। उसके बाद आप को चाहिए कि आप उसको फंक्शनल प्रोस्थीसिस दे। पर फंक्शनल प्रोस्थीसिस में भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिपिंग पावर, जो कि हमारे हैंड की कुछ ग्रिपिंग पावर है या प्रिहेंशंस है, जो कि कुछ कम्प्लेक्स प्रिहेंशन या ग्रिपिंग पावर है और कुछ सिंपल प्रिहेंशन या ग्रिपिंग पावर है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बॉडी पावर प्रोस्थीसिस, जो कि पेशेंट्स के वियर थ्रू काम करता है, जो कि पेशेंट के अपोजिट जो शोल्डर के मसल्स है, ये हमारे पास है बॉडी पावर प्रोस्थीसिस या फंक्शनल प्रोस्थीसिस, जो कि है ट्रांस ह्यूमरल पेशेंट के लिए हम देते हैं। अगर कोई ट्रांस ह्यूमरल एम्पुटेशन हुए तो उस पेशेंट उस केस में हम ये देते हैं, जैसे कि ये इसी तरह हम पेशेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द
अपोजिट अपर लिम्ब, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक केबल होता है और ये कार्डिंग टू पेशेंट बॉडी या जो वेयर करता है अपोजिट जो शोल्डर या मसल्स होते हैं उसके थ्रू काम करता है। इसमें ये होता है ओपनिंग भी होता है पेन पकड़ा और फिर क्लोजिंग होता है और ग्रेटिंग पावर इस तरह इसका होता है, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट, बल्कि इसमें वॉलंटरी ओपनिंग और वॉलंटरी क्लोजिंग होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बॉडी पार्ट प्रोस्थेसिस। इसके बाद हमारे पास एडवांस प्रोस्थेसिस आते हैं जिसमें है सबसे पहले मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस। अच्छा, फिर मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस क्या होता है? मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस में ये होता है कि उसमें हम सॉकेट में इलेक्ट्रोड रखते हैं और थ्रू मसल कॉन्ट्रेक्शन में वर्क करता है। तो इलेक्ट्रो जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उसमें सिग्नल जनरेट होते हैं और थ्रू इलेक्ट्रोड वो सिग्नल डिटेक्ट होते हैं और वो फिर जो कंट्रोल सिस्टम होता है टर्मिनल डिवाइस होता है उसको सिग्नल पास करके उसमें फिर मूवमेंट होता है कि आपने ओपनिंग करनी क्लोजिंग करनी है अकॉर्डिंग टू मसल कंट्रेक्शन वो वर्क करता है। फिर उसके बाद हमारे पास मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस के बाद जो हमारे पास सबसे एडवांस टाइप ऑफ अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस आता है वो है हमारे पास बायोनिक प्रोस्थेसिस या बायोनिक लिम्ब भी जिसको कहते हैं, जो कि एडवांस टाइप ऑफ प्रोस्थेसिस जो कि ब्रेन के साथ काम करता है, थ्रू ब्रेन वो वर्क करता है, जो कि कम्प्लेक्स फंक्शन भी बड़े इजीली करता है, जिस कम्प्लेक्स प्रिहेंशन ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि प्रिहेंशन के पर डिफरेंट टाइप या ग्रैपिंग के वो करता है। अच्छा, उसमें अनर और रेडियल डिविएशन भी पॉसिबल होता है क्योंकि थ्रू ब्रेन वो वर्क करता है और उसमें पर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे सेंसर्स होते हैं इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके अलावा उसमें बैटरी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थ्रू सेंसर्स वो सिग्नल डिटेक्ट करता है और सिग्नल पास करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट करके चीज़ों को ग्रिप करता है अकॉर्डिंगली। तो ये था आज की हमारे पास ये था आज का हमारा वीडियो जो कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस डिफरेंट केसेस में देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस और हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।